जय हिंद दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है आपके लिए एकदम धमाकेदार, क्योंकि इस वीडियो में जो सुझाव देने वाली हूं अगर आप उन पे अमल कर लेते हैं तो बन जाएंगे एकदम और ज्यादा धमाकेदार दुनिया के बेहतरीन टॉप ट्यूशन टीचर। वो कैसे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा होम ट्यूटर बनना चाहते हैं ना, तो पहले इससे पहले ही आप तय कर लीजिए कि आप होम ट्यूशन पढ़ा करके क्या पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप रिवीजन कराना चाहते हैं, या तो आप बच्चे की रेगुलर क्लासेस का सिलेबस खत्म कराना चाहते हैं, और बच्चे की क्लास जो है, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर लीजिए। पहले हमेशा अपने कुछ नियम बना दीजिए, कौन सी क्लास से आपको कितनी फीस लेनी है, महीने में आपको बच्चों को कितने दिन पढ़ाना है, ये आपको पहले से प्लान करना होगा, और कितना टाइम ड्यूरेशन उन बच्चों को देना है ये आपको बताना होगा। ज्यादा ना पढ़ाएं, क्योंकि इससे बाद में जो है पेरेंट्स आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, आपके लिए इससे समस्या खड़ी हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, फीस हमेशा आप एडवांस में लीजिए। अगर कोई नहीं देता है ना, तो वो मत दे, मतलब उस बच्चे को साइड कर दीजिए आप, इसे एक अच्छे प्रोफेशन की तरह लीजिए। और जैसे कोई स्कूल टीचर अच्छे से व्यवस्थित होकर, आपने देखा है बढ़िया से कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल समय से जाता है ना, तो बस आपको इस प्रोफेशन को भी उतना ही सिंसियरिटी से साथ लेना है और वैसे ही प्रेजेंट करना है। अपने रिकॉर्ड अच्छे से बनाइए और फीस का रिकॉर्ड रखिए, कौन कौन से बच्चे जो हैं, किस किस जाकर आपको जाकर उन्हें पढ़ाना है, सबका रिकॉर्ड रखिए। क्योंकि अगर आप एक भी दिन स्किप कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, तो पेरेंट्स कम से कम 4 बार आपको याद दिलाएंगे, सर जी उस दिन की छुट्टी कर ली थी, मैडम उस दिन नहीं आई थी, ताने मारेंगे। तो ऐसा मत करिए कि स्किप करें। अगर किसी दिन बच्चा जो है वो क्लास छोड़ देता है, तो उस दिन को आप कैलकुलेट करके रखिए, और अगर हो सके तो उस दिन वो नहीं पढ़ा तो उसके बदले किसी और दिन जो है उस बच्चे को आप जरूर पढ़ाइए। और सेम अगर आपसे छुट्टी हो जाती है तो उस दिन को कवर करिए। शुरुआत में जो भी आपने रूल्स बनाए, वो सारे रूल्स पेरेंट्स को बता दीजिए, सारे बच्चों के पेरेंट्स को समझा दीजिए कि फीस मैं कब लूंगा, फीस का नोटिस पीरियड जो है वो मैं कितनी बार आपको दूंगा। और साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि केवल एक अकेडमिक सेशन में ही आप बच्चे की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मार्च से जो सेशन शुरू हो रहा है, पेरेंट्स को बता दीजिए कि आप मार्च में, अप्रैल से जो सेशन है वो शुरू करेंगे, और उसके बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो बच्चे के सामने ना करें, क्लास डिस्ट्रैक्ट होती है, और बच्चे के परिवार और सदस्य से ज्यादा बातचीत करने की आपको जरूरत नहीं है, समझे। आपकी इंसानियत का वहां लोग क्या मतलब अहमियत रखते हैं, कैसा फायदा उठाते हैं, ये सब रिलेशनशिप बनाने के लिए आप नहीं गए। हमेशा अपने आप को एक अभिनेता के तौर पर देखिए, एक हीरो के तौर पर, वो भी तो एक सामान्य अभिनेता है, जैसे ना मतलब सलमान खान आमिर खान की तरह, ऐसे देखिए अपने आप को आप लोग, ट्यूशन टीचर्स। जैसे आपकी फीस जो भी आप लेते हैं वह उसी तरीके से लीजिए ना, जैसे फिल्मों की जो एक्टर होते हैं वो अपनी फिल्मों की फीस लेते हैं। बच्चों के माता पिता आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या उनकी चुगलखोरी है, क्या टेंडेंसी है, इस पर प्लीज टीचर्स ध्यान मत दीजिए, केवल अपना कार्य करिए, और वो भी पूरी ईमानदारी से। जैसे किसी को कोई अभिनेता है किसी पिक्चर में, वो फ्लॉप हो जाता है, कोई पिक्चर जो है उसकी सुपर हिट हो जाती है, उसी तरीके से आपका भी कोई बच्चा फेल हो जाता होगा, है ना, कोई बच्चा आपका टॉपर बन जाता है। तो बच्चों के परिणाम को लेकर आप कभी भी पेरेंट्स से कोई झूठे वादे मत करिए, हवा हवाई बातें जो है वो बिल्कुल मत करिए, हमेशा धैर्य बना के रखिए। देखिए, रोम जो देश है वो एक दिन में नहीं बना, उसे बनने में भी समय लगा था। उसी तरीके से किसी भी विषय का विशेषज्ञ बनने में एक शिक्षक को और उस विद्यार्थियों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर निपुण होने में समय लगता है। तो प्रैक्टिस करिए, काम करिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए,
डेफिनेटली चीजें जो है आपके तरीके से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। बस इन स्किल्स के ऊपर काम करिए। वीडियो एक बार, दो बार, दस बार देखनी पड़े, बार बार देखिए और इन बताई स्किल्स के ऊपर काम करिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मिलेगी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।